अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलना, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भरवा करेला की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। पहले भी मैंने इस चैनल पर रेसिपी डाल रखी, बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई थी, और आज जो बता रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ। सारे की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक में दे देती हूँ वीडियो के एंड में, तो आप उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते बताते हैं कैसे बनती है भरवा करेला। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरवा करेला, जो कि बहुत हेल्दी सब्जी है। करेला को आप जानते होंगे कि बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, उसके लिए लिया हमने 500 ग्राम करेला। और करेला आप देख सकते हैं कितनी ताजी है, और इसे हमने धोकर अच्छी तरह से पोंछ लिया है, इसके पानी को सुखा लिया है, और बिल्कुल ताजा करेला आप करेला देख कर ही पता लगा सकते हैं। और ये थोड़ी व्हाइट वाली है ना, तो ये इसमें तीतापन बहुत कम होता है। जो करेला जो तीता होता है ना, वो बहुत कम होता है, कड़वा। तो ये देखिए, बहुत सारी व्हाइट है, और जो बिल्कुल ग्रीन रहती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा कड़वा होती है। तो मैंने पहले भी भरवा करेले की रेसिपी अपने चैनल पर डाल रखी है, वो मैंने दूसरे मसाले से दूसरे तरह से बनाई है। उसमें हमने इसके स्किन को वगैरह को किसी चीज़ को हमने नहीं निकाला है। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ उसमें मैं स्किन को निकालूंगी, लेकिन स्किन का भी यूज़ मैं करूंगी। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, बहुत तरह से बनाए जाते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए इसे क्या करना मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से करेले को लेंगे, और पहले हम इसके ऊपर वाले डंडी जो है ना, डंडी को कट करके इसे हटा देंगे, और पीछे तरह से इस दोनों को हटा देंगे। उसके बाद या तो आप इसे चाकू से छील लीजिए इस तरह से, इसके स्किन को इस तरह से चाकू से हटा लीजिए। एक प्लेट में हमें इसे रखते जाना है, इसे हमें फेंकना नहीं है। देखिए, इसकी स्किन को निकाल कर हमें फेंकना नहीं है, इस तरह से ग्रीन वाले पार्ट को इस तरह से चाकू से भी छील सकते हैं, या आप इस तरह से पीलर से भी इस तरह से इसे हटा सकते हैं। अच्छी तरह से इसका ग्रीन वाला पार्ट को हमें निकाल लेना है, और इसे फेंकना नहीं है हमें। इसमें मैं इसके स्किन बीज सारे को यूज़ करूँगी। इसके पहले भी मैंने जो रेसिपी आप डाली है अपने चैनल पर, उसमें भी मैंने स्किन और बीज दोनों का यूज़ किया है। वो अलग तरह से मैंने बनाई है, बीज को भी हमने पीस कर डाला है, बहुत स्वादिष्ट बनती है वो भी। तो देखिए, इस तरह से या तो आप चाकू से इस तरह से कर लीजिए, या पीलर की सहायता से कर लीजिए। बस ऊपर का इस तरह का हल्का सा स्किन को हमें हटा लेना है। देखिए, इस तरह से हमने स्किन को पूरी तरह से निकाल लिया है। इसी तरह से सारे करेले का स्किन पहले मैं निकाल लूंगी दोनों तरफ से कट करके, उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसमें क्या करना है आपको। इस तरह से हमें पूरा स्किन निकाल लेना है, और इसे प्लेट में रखिएगा, फेंकना नहीं है हमें, सिर्फ इसके आगे और पीछे वाले भाग को फेंक देंगे। तो चलिए, सारे करेले को इस तरह से हम रेडी कर लेते हैं। और करेले की सब्जी भरवा करेला जो बनता है, इसमें थोड़ा वक्त अधिक लगता है फ्रेंड्स, और तेल भी अधिक लगती है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट, पूरी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सारे लोगों को। वैसे इनकी इसकी और भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसका उसके मैंने क्रिस्पी पकौड़े, क्रिस्पी करेला सारा कुछ डाल रखा है। चलिए, सारे कुछ तरह से पहले रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से सारे करेले को हमने इस तरह से छील के, सारे करेले के ऊपर के निकाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है, बस चाकू से हल्का सा रब करना है, और इस तरह से हमने इतने सारे छिलके निकाल के रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसे अब हम बीच से इसे कट करेंगे। तो कट ऐसे करना है हमको कि साइड में जुड़ा रहना चाहिए, सिर्फ बीच में कट मारना है। देखिए, करेले जब भी भरवा करेले के लिए आप करेले लेना, तो इस तरह के करेले ही ले लीजिए। देखिए, और छोटे साइज के लीजिए,
एक दो मेरी बड़ी है, बाकी सब छोटे साइज की हैं। तो इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे और कट लगाकर हम इसे देख लेंगे कि अंदर से कहीं एक खराब तो नहीं है, और इसके बीज को भी हमें निकालना है। हमें कट लगाना है, दोनों तरफ से जुड़ी रहने चाहिए, और कट लगाकर इसमें जो हार्ड बीज है हम चम्मच से, अंगूठे से या चम्मच से बहुत इसे निकाल लेंगे। दिखा देती हूँ मैं, या तो चम्मच के पीछे से इस तरह से निकाल लीजिए, इसे पीछे आगे किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं, आगे से भी इस तरह से निकल जाएगी। मैं दोनों तरह से आपको दिखा दे रही हूँ, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से इसके हमने बीज को निकाल लेना है और इसे थोड़ा खाली कर लेना है। थोड़ी सी निकल जाने के बाद आप इसे हाथों से इस तरह से अंगूठे से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरा निकाल लिया। बिल्कुल करेला इस तरह का होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने कट किया है और इस बीज को भी हम इस छिलके वाले में रखते जाएंगे। ये जो हार्ड वाली बीज है ना, इसे हम हटा देंगे और जो सॉफ्ट बीज रहेगी उसे हम डाल देंगे। लेकिन ये गूदा इसे हमें नहीं फेंकना है, क्योंकि इस करेले की सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत फायदेमंद होती हैं। तो ये जिसमें हमने छिलके रखे हैं ना, उसी में हम इस बीज को भी डालते जाएंगे। तो चलिए, सारे करेले को इसी तरह से पहले हम रेडी कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने इसे कट किया, इसी तरह से इन सारों को भी कट कर लेना है। हमें बीच में कट करना है इस तरह से, नहीं है बहुत सॉफ्ट है तो थोड़ी बहुत ही निकालेंगे। तो इसी तरह से सारे को निकाल कर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से सारे करेले के अंदर बीज निकाल कर हमने इसे खाली कर लिया है इस तरह से, और अब इसका स्किन ही रह गया है। तो इस तरह से हमने बीज और छिलके को इस जगह रख लिया है। जो हार्ड हार्ड बीजें थी इस तरह की, बिल्कुल कड़ी वाली, उसे हमें नहीं डालना है, उसे निकाल देना है। देखिए ये बहुत हार्ड है, और जो इस तरह की सॉफ्ट बीज है, देखिए इस तरह से, इसे हमें डाल देना है। तो अब चलिए चलते हैं, पहले मैं उसे दिखा देती हूँ कि अब आगे क्या करना है, जिससे करेला का कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी नमक ली है। नमक को हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर हाथों में लगा कर इस तरह से नमक, और थोड़ा सा बाहर इस तरह से लगा देंगे, और लगा कर हम 10 मिनट इसे छोड़ देना है। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। सारे करेले में हमें इसी तरह से थोड़ी सी नमक अंदर उंगलियों की सहायता से इस तरह से अंदर, और थोड़ी सी बाहर इस तरह से लगा कर रख देंगे। तो इससे इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यदि आप कड़वेपन के साथ ही खाना चाहते हैं तो आप नमक मत लगाइए। हालांकि करेले का कड़वापन अच्छा ही लगता है, मुझे तो पसंद है, लेकिन बहुत से लोग नहीं खाते हैं, जिनके लिए मैं दिखा दे रही। सारे करेले को हम इस तरह से नमक लगा कर रेडी कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, सारे करेले में हमने नमक लगा दिया, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम ये करेले की बीज और स्किन पर भी थोड़ी सी नमक इस तरह से लगा कर इसे भी हम छोड़ देंगे मिक्स करके, ताकि इसमें से जो भी कड़वापन है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे धोकर यूज़ करेंगे। इस तरह से आप स्पून से या हाथों से इस तरह से इसमें नमक को मिक्स करके हमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। चलते हैं मसाले बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए, यहाँ पर करेले को नमक में मिला कर, नमक लगा कर रखे हुए 10 मिनट से ज़्यादा वक्त हो चला है, और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई। इसमें से जो भी पानी निकलनी, देखिए इस तरह से, इससे कड़वापन इस तरह से निकल रहा है। तो इसे हमें निकाल, इस तरह से मैं नहीं निकालूंगी। इसे हम एक बॉल में पानी हमने ले लिया है, और इसे अच्छी तरह से एक एक करेले को इस तरह से धो लेंगे। एक एक करेले को हमें अच्छी तरह से धो कर रखना है,
अंदर इस तरह से उंगलियों से, ताकि इसमें जो भी नमक वगैरह और गंदगी हो वो निकल जाए। इसी तरह से हम सारे करेले को धो लेते हैं, पहले धोकर निचोड़ लेते हैं। इस तरह से धोकर हमने करेले के पानी को इस तरह से निचोड़ लेना है, तो जो भी कड़वापन है वो करेले में का निकल जाता है। और इस तरह से आप बनाएंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हमने सारे को इस तरह से निकाल लिया है, और अब चलते हैं इसे भी हम धो लेंगे। ये जो हमने छिलके और बीज को रखा था नमक लगाकर, इसे भी मैं दो बार धोऊंगी। एक बार धो लिया हमने, एक बार और हम धो लेंगे इसे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे भी धो लेना है, और इस पानी को हम फेंक देंगे, और एक बार हम इसे और धो लेंगे, इसे छन्नी में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने पहले पानी को निकाल दिया है, एक बार और हम इसे पानी डालकर धो लेते हैं और छन्नी में निकाल कर इसका पानी निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बार भी इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को तो फेंक ही देना है हमें, और इसे इस तरह से छन्नी में इस तरह से दबाकर पूरी पानी को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसकी पानी निकाल ली है, और इसे अभी इसी तरह से छोड़ देते हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमने गैस पर एक पतीले में पानी रखा है, और ये पानी गर्म हो गया। इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे इस तरह से। पहले से हमने पानी को उबाल कर रखा था, और इसके ऊपर हम रख देंगे इसे हमें स्टीम, इस तरह से स्टीम में मैं पकाऊंगी। तो करेले को इस तरह से सजा देंगे, और मीडियम फ्लेम पर हमें 15 मिनट तक इसे स्टीम कराना है, जिससे करेले को अधिक नहीं पकाना पड़ेगा, स्टीम में ये पक जाएगी। तो करेले को हमें मसाला भरने के बाद अधिक नहीं पकाना पड़ेगा। इस तरह से इसे मैं ढक देती हूँ और गैस को ऑन कर देते हैं। 15 मिनट हम इसे पकने देते हैं। तो 15 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं दूसरी तरफ। तो देखिए गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, और इसे हम अच्छी तरह से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। मेरे चैनल को आप यदि रेगुलर देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं सारे सब्जियों के सरसों के तेल का यूज़ करती हूँ, और सरसों के तेल को जब तक आप स्ट्रॉन्ग स्मेल आने तक गर्म नहीं करेंगे उसे यूज़ नहीं करना है। तो थोड़ी सी गैस का फ्लेम हमने तेज कर दिया है, थोड़े गर्म हो जाइए, उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है। और इधर हमें बॉयल होते हुए करेले को स्टीम करते हुए 5-8 मिनट का समय हो गया है, और 10 मिनट में 7-8 मिनट इसे स्टीम करके उतार दूंगी। तो चलिए तेल को चेक कर लेते हैं। तेल हमारी गर्म हो गई है, गैस का फ्लेम को हम लो कर देंगे, क्योंकि तेल को गर्म करने के लिए मैं हाई किया था। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, जीरा चटकने लगी है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच 1 पिंच हींग डाल देंगे, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने करेले के बीज और मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे अच्छी तरह से। और नमक हमने इसमें पहले डाला था, वैसे तो हमने इसे धो लिया है, लेकिन थोड़ी सी नमक हम डालेंगे, अधिक नमक नहीं डालना है, अधिक क्योंकि नमक हमने पहले भी यूज़ किया है। ठीक, आधा छोटा चम्मच हम नमक इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा इसे हम भूनने देंगे जब तक ये थोड़ी सी भून ना जाए और सॉफ्ट ना हो जाए, उतना हमें इसे भूनना है। बाकी के मसाले मैं इसमें आपको दिखा दूंगी क्या क्या इसमें ऐड करूंगी। मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी घर की क्रश की हुई अदरक लहसुन हरी मिर्च को इस तरह से हमने क्रश करके रखा है, देखिए। तो 1 चम्मच हम अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्रश करके रखा है, तो इसे भी हम साथ में डाल देंगे।
दो तीन मिनट और हम इसे भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। उसके बाद मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूंगी। तो देखिए यहाँ पर 4-5 मिनट का वक्त हो चला है इसे भूनते हुए, और इस तरह से इसकी करवाहट पूरी निकल, जो भी इसमें करवाहट थी वो निकल गई है और ये सॉफ्ट भी हो गई। 4-5 मिनट ही हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज के 4 प्याज को इस तरह से बारीक कट कर लिया है, और इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को। 3-4 मिनट हम इसे भी भून लेंगे, बस प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए, उतना ही भूनना है। तो करेले हमारे 1/2 kg हैं, उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। कम हो तो आप प्याज की क्वांटिटी भी कम कर लीजिएगा। तो चलिए इसे मीडियम फ्लेम पर प्याज को भी हम 3-4 मिनट सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। प्याज से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। करेले में प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसमें जो मिठास रहती है उसके चलते करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं। करेले के सूखे सब्जी भी मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पर, और कुरकुरे करेला, उसे आप जाकर देखिएगा मेरे वीडियो। और ऐसे भी मैं वीडियो के एंड में और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, 3-4 मिनट के लिए इसे भून लेना, फिर मैं इसमें बाकी के मसाले डाल दूंगी। तो देखिए 15 मिनट हमने इसे इस तरह से स्टीम में पका लिया है। गैस को मैंने कर दिया ऑफ, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस करेले को इस तरह से एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेते हैं सारे करेले को, और इसे रख देते हैं ठंडी होने के लिए। सारे करेले को हमने निकाल लिया है, अब इसे मैं रख देती हूँ थोड़ी सी ठंडी हो जाए। देखिए यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 3-4 मिनट का वक्त हो चला है और प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही पकाना है कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या मसाले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। हमने हरी मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ही डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि मसाले हमारे जल जाएंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच सौंफ का पाउडर, 2 चम्मच सौंफ का पाउडर दरदरा पिसा हुआ सौंफ का पाउडर डालेंगे। सौंफ के पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आती है। तो यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो हमने यहाँ हरी मिर्च का भी यूज़ किया है, इसलिए लाल मिर्च सिर्फ 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, सिर्फ थोड़ी सी ही डालूँगी, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये शाही गरम मसाला पाउडर है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी पानी ताकि ये जो मसाले हैं वो जले नहीं। और अब हम इसे सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगी, लेकिन वो थोड़ी सी मसाले भून जाए उसके बाद हमें ऐड करना है। वो बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इसके, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा मसाला भून जाए उसके बाद हम उसे ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी, मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तब मैं इसमें डालूंगी आमचूर का पाउडर 2 बड़े चम्मच। आमचूर के पाउडर अच्छी तरह से डालिएगा क्योंकि खटास से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और इसका जो कड़वापन है वो कम हो जाता है। तो यदि आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह, अभी आम का सीजन है, कच्चे आम को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। आमचूर के पाउडर को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा है क्योंकि मसाले भूनते वक्त हाई फ्लेम रखेंगे तो वो मसाले नहीं भूनेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आमचूर का पाउडर आप इसमें डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आमचूर के पाउडर से। और ना हो तो कच्चे आम को ग्रेट करके आप, जिस वक्त अभी हमने डाला आमचूर उससे थोड़ी देर पहले आप जब मसाले डालेंगे उस वक्त कच्चे आम को कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
तो चलिए बस ये हो गया है मसाला हमारा, एक मिनट और हम इसे पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मसाला हमारा रेडी हो गया है, अच्छी तरह से भून गया है और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं मसाले हमारे देखिए। तो अब हम मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो चलिए गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे मसाले को प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेला भी ठंडा हो गया है, मसाला भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम इस तरह से मसाले को भरेंगे इसमें। देखिए इस तरह करेले को हमने 80% पका लिया है, अब इसे फ्राई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से हम करेले को में मसाला इस तरह से स्पून से भर देंगे। इस तरह से हमने भर लिया, इसी तरह से सारे करेले को हम भर लेंगे और इस तरह से स्टीम कर लेने से या बॉईल कर लेने से करेले को आपको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसाला भी हमारा भुना हुआ है और करेला भी हमारा स्टीम हो चुका है। चलिए सारे करेले को पहले हम भरकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारे करेले को भर लिया है मसालों से, आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। इस तरह से सारे करेले को हमने भर लिया है और ये 80% कुक हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। इतना मसाला हमारा बच गया है तो इसे मैं लास्ट में डाल दूंगी, आप चाहें तो और इसे स्टोर कर एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दीजिए और इसे कभी भी करेले लाकर आप इसे बना सकते हैं। मसाला बहुत ही अच्छा बना, परवल में भी भर सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखी है हमने, उसमें हमने थोड़ा 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है, सेम कढ़ाई का मैं यूज़ कर रही हूँ। और तेल को हम धुआँ उठने तक गर्म हो जाने देते हैं, थोड़ा सा गैस का फ्लेम हम तेज कर देते हैं और इसमें हम करेले को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो हमारा कढ़ाई का सरफेस जो है वो थोड़ा चौड़ा है, तो उसमें जितने करेले आ सकते मैं डाल दूँगी और कम वाले लेंगे तो आपको करेले उतने नहीं आएंगे, दो दो तीन तीन करके आपको फ्राई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर तेल में धुआं आने लगा, गैस का फ्लेम को हम लो कर देंगे और एक एक करके इसमें ये करेले डाल देते हैं। तो कढ़ाई की सरफेस मेरी चौड़ी है इसलिए सारे करेले आ जाएंगे, देख सकते हैं, और इसे अलग पलट कर हम फ्राई करेंगे। तो अभी हमें नहीं पलटना है, थोड़ा एक तरफ से फ्राई हो जाए, गैस का फ्लेम में मीडियम रखूंगी। तो चलिए इसे फ्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इसे अलग पलट लेंगे। देखिए एक तरफ से ये फ्राई हो गई है हमारी, तो अब हम इसे अलग पलट कर फ्राई कर लेंगे। इसे मैं पलट लेती हूँ। तो देखिए सारे को हमने स्पून की सहायता से पलट लिया है, इसी तरह से अलग पलट कर हम इसे सेक लेंगे। और हमारा करेला थोड़ा वाइट टाइप का था इसलिए इस तरह का कलर आया है। तो देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी हो गई है, जली नहीं है, क्रिस्पी ब्राउन कलर आ गया है इसमें, इस तरह का बहुत खाने में अच्छी लगती है ये। इसमें थोड़ी सी तेल भी अधिक लगती है, थोड़ा बनाने में वक्त लगता है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा आता है। तो दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेते हैं मीडियम आंच पर, पलट पलट कर चेक कर लेते हैं कि यदि ये पक गई है तो फिर से इसे पलट लेंगे हम। तो देखिए इसे हमने अलग पलट कर फ्राई कर लिया है और इस तरह से ये सारे सब तरफ से फ्राई हो गई है। अब हम ये जो मसाले हमारे बचे हुए हैं उसे भी हम इसी में डाल देते हैं और ये भरवा करेला हमारा रेडी हो गया है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छे करेले बने हैं। देखिए इस तरह से सब तरफ से इस तरह से घुमा घुमा के हमें इसे फ्राई कर लिया है।
यदि आपके पास वक्त हो तो आप एक एक दो दो डालकर ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि एक साथ डालने से थोड़ी सी दिक्कत आती है। मुझे आपको वीडियो दिखानी थी, हड़बड़ी थी, इसलिए मैंने सारे एक साथ डाल दिए हैं। तो ऐसे सारे तरफ से ये फ्राई हो गई है। तो चलिए अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ, और ये हमारा भरवा करेला बनकर रेडी हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो ऑयल है उसमें बचेगी उसे आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते हम निकालेंगे एक प्लेट में इस तरह से, थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं इसके निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए थोड़ी सी ठंडी हो गई है, इस तरह से हम एक एक करके इसे निकाल लेंगे। आप तेल देख सकते हैं, अधिक इसमें तेल नहीं बची है, मैं आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ। करेले में थोड़ी सी तेल जाती है, आप भुजिया भी बनाइएगा तो भी ऐसे भी। तो चलिए इस तरह से हम सारे को प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा भरवा करेला बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छी लग रही है देखने में। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जितनी खूबसूरत है देखने में लग रही है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत आपको खाने में, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक बार तो इसे ट्राई करना बनता है, इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, और पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ जिस तरह से मैंने बताई है उसी तरह से पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी। और पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये भरवा करेला की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन छोटी सी बेल आइकन दीजिए, उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे और ज्यादा फॉलो करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।